नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून और मंगल के दिन है। मैं हूं आपका मेजबान शकील लाए। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में एक अहम खबर पेश करें। नादरीन, इमरान खान के खिलाफ गुज़िश्ता दो रोज से दो बड़े मालियाती स्कैंडल सामने आ गए हैं, जिसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने इस ज़मीन में सलाह मशवरे शुरू कर दिए। इमरान खान ने जो गैर मुल्की कर्जे लिए थे उसमें से 1,120 अरब रुपये गायब कर दिए, और उसके अलावा जो मलिक रियाज ने जो लंदन में उनको उन पर जुर्माना हुआ था, उनकी जो रकम थी वो कोई 6,000 अरब थी, उस वो इमरान खान ने आके अपनी अपनी बीवी और फराह गोगी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट को ये जो है वो रकम अदा की, और ये पूरा खेल बनाकर उसके अलावा 250 एकड़ ज़मीन जो है वो उसको फराह गोगी को दी गई। 600 एकड़ ज़मीन मलिक रियाज से ली गई, और उसका ट्रस्ट जिसमें इमरान खान और उसकी अहलिया वो उसमें जो है वो पिंकी पीली जिसका नाम है वो उसमें शामिल थे, और उसी में से 250 एकड़ उन्होंने जो है वो फराह गोगी को दी। ये बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है। वफाकी हुकूमत ने कानूनी सलाह मशवरे कर दिए हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी सलाह मशवरे किया, ताकि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह कोई करप्शन का एहतसाब अदालत में केस बनाया जाए तो फिर उस पर इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो रजामंदी ज़रूर हो, और आइंदा चंद रोज़ इस ज़मीन में बहुत बड़ी पेशरफ होने का इम्कान है, और उसके बाद तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने इस ज़मीन जो सरकारी दस्तावेजात हैं वो जारी कर दिए हैं, और वो मीडिया और सोशल मीडिया को फराहम कर दिए गए, जिससे इमरान खान की माली बेकायदगी जो वो खुलकर सामने आ गई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। हम आपसे मदद कर गुजारिश करते हैं बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको खबर मिले। शुक्रिया।